अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सोवा गोश्त चने की दाल। 1/3 कप तेल गरम हो गया है हाई फ्लेम पे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करें, 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज ऐड करें, 1/2 टीस्पून नमक डालकर प्याज को पिंक होने तक फ्राई करें। प्याज पिंक हो चुकी है हाई फ्लेम पे। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करें, अदरक लहसुन पेस्ट के लाल होने तक फ्राई करें। अदरक लहसुन पेस्ट लाल हो चुका है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें। एक टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करें। पाव किलो धुला हुआ बोनलेस मटन ऐड करें। नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से। हाफ कप हरा धनिया कटा हुआ ऐड करें। प्रेशर कुक करने के लिए पानी ऐड करें और इसको प्रेशर कुक करें 10 मिनट तक, सीटी बजने के बाद से लो फ्लेम पे। नेचुरल प्रेशर निकलने पर कुकर खोल दिया है। अब इसमें 1/2 बंडल सोए की भाजी धुली हुई और कटी हुई ऐड करें। एक कप धुली हुई और भिगोई हुई चने की दाल भी ऐड करें। आधा कप पानी ऐड करें। और 1/2 कप पानी ऐड करके प्रेशर कुक करें सीटी बजने के बाद से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। अब ये बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ कर दिया है। सोवा गोश्त चने की दाल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।